हाय गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझेंगे कि जब भी कोई मूवी 100 करोड़ 200 करोड़ या 300 करोड़ कमाती है तो उसमें से प्रोड्यूसर को कितने पैसे मिलते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपने जब सुना है कि इस फलाना मूवी ने 100 करोड़ की कमाई की है तो प्रोड्यूसर को 100 करोड़ मिले हैं या फिर नहीं। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि जब भी कोई मूवी इस तरह का बिजनेस करती है तो उसके पीछे का कॉमर्स होता क्या है। मेरा नाम है अभिषेक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रॉस कलेक्शन क्या होता है। टिकट सेल करने पर जो रेवेन्यू आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस कलेक्शन। अगर टिकट सेल करने पर लोगों ने टिकट खरीद कर टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ जनरेट करवाया है तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस कलेक्शन। बट ये पूरा का पूरा पैसा प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता है। पहले के टाइम क्या होता था कि ग्रॉस कलेक्शन में से एंटरटेनमेंट टैक्स कटता था और जो बचता था उसे हम नेट कलेक्शन कहते थे। बट आज के टाइम पर एंटरटेनमेंट टैक्स के बदले GST पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो जो भी टिकट सेल करने से रेवेन्यू आता है ग्रॉस कलेक्शन, उसमें से GST हटाने के बाद जो रेवेन्यू बचता है उसे हम कहते हैं नेट कलेक्शन। ग्रॉस कलेक्शन में से जब आप GST हटा देते हो तो बचता है नेट कलेक्शन। अब नेट कलेक्शन का जो टोटल अमाउंट होता है वो डिवाइड होता है एग्जीबिटर और प्रोड्यूसर के बीच में। एग्जीबिटर का मतलब होता है कि जो सिंगल स्क्रीन ओनर या फिर मल्टीप्लेक्स ओनर होता है उसे हम एग्जीबिटर कहते हैं, और वो अपना चार्ज लेने के बाद जो पैसे बचते हैं वो प्रोड्यूसर को देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि दोनों के जो नेट कलेक्शन हुई है उसका 50-50% अगर डिवाइड होता है तो 50% नेट कलेक्शन जाता है सिनेमा घर के ओनर्स को या फिर एग्जीबिटर्स को, और 50% रेवेन्यू जाता है प्रोड्यूसर के पास। सो ये हमने बात की और समझी कि जब मूवी रिलीज़ हो जाती है तो फिर प्रोड्यूसर पैसे कैसे कमाते हैं। बट मूवी रिलीज़ होने के पहले भी देर आर फ्यू सोर्सेज जिसके थ्रू प्रोड्यूसर पैसे कमाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, डिजिटल राइट्स, ऑडियो राइट्स, एंड इन सम केसेस अगर मूवी इंडिया के बाहर ओवरसीज़ में रिलीज़ हो रही है तो ओवरसीज़ के थिएट्रिकल राइट्स। सो ये 4 से 5 सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू एक प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी फिल्म बेच के पैसे कमाता है। सो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन, एंड व्हाट डज इट एक्चुअली मीन जब एक मूवी 100 करोड़ का बिजनेस करती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जिसके थ्रू एक प्रोड्यूसर जो होता है वो पैसे कमाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, एंड अगर इस चैनल के कॉन्टेंट एंड वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।